किसने सोचा था कि 2023 में ही हिंदू राष्ट्र का हंगामा मच जाएगा, बाबा बागेश्वर का झंडा लेकर मोदी विरोधी पार्टी आगे बढ़ जाएगी। 3 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस 91% हिंदू वोटर वाले राज्य में बीजेपी की पिच पर खेलकर विधानसभा चुनाव का मैच जीतने की फिराक में है, और इसके लिए बकायदा कांग्रेस ने पहले हिंदू राष्ट्र और अब बजरंग दल पर एकदम से 360 डिग्री टर्न ले लिया है। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन का ऐलान करने वाली कांग्रेस को एमपी में बजरंग दल अच्छा लग रहा है। क्या है कांग्रेस का गेम प्लान और क्या हिंदू राष्ट्र की पिच पर वो बीजेपी को चित कर पाएगी? क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी के बिछाए जाल में फंस गई है? इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में कांग्रेस तुष्टीकरण छोड़ हिंदुत्व पर आई। हिंदू राष्ट्र के बाद बजरंग दल पर कांग्रेस का यू टर्न। क्या एमपी की अगली जंग हिंदू राष्ट्र पर होगी? क्या कांग्रेस अब बीजेपी के हिंदुत्व वाली पिच पर ही खेलेगी? बजरंग दल पर कांग्रेस के यू टर्न का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस कैंप में जो माहौल है वो पूरी तरह से बदला हुआ है। कमलनाथ हिंदू राष्ट्र पर बाबा बागेश्वर के साथ खड़े हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर ने सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की, उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को मंच पर बुलाया। हिंदुत्व पर आग उगलने वाले दिग्विजय सिंह अचानक बजरंग दल पर सॉफ्ट हो गए हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय बाबा बागेश्वर को बुलाया और 3 दिन तक कथा करवाई। बाबा ने मंच से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। सड़कों पर तूफान चाहिए, अब तो पूरे भारत में राम राज्य भरा हिंदुस्तान चाहिए। लेकिन जब कमलनाथ से हिंदू राष्ट्र पर उनका स्टैंड जाना गया तो वो 82% का फॉर्मूला बताकर बचने की कोशिश करने लगे। दरअसल एमपी चुनाव को देखते हुए कमलनाथ एक तरफ बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले समर्थकों को साधने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के कोर वोटर और आइडियोलॉजी से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी सिटी हो वहाँ कोई गैस की बात है? ये तो है कि 80% अगर हमें हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आप, ये तो आगरे बताते हैं। 15 साल पहले हनुमान मंदिर बनाया था, लेकिन आज बनाया है तो ये तो कोई चुनाव के लिए बनाया है। मैंने तो इसकी पब्लिसिटी भी नहीं करी थी, पर जो है सामने लोगों को दिख रहा है कि सबसे बड़ा हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में 15 साल पहले बना था, तो ये अब इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं। पहले भावनाओं से बनाए। वहीं दिग्विजय सिंह भी हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर कमलनाथ का बचाव करते दिख रहे हैं। दिग्विजय ने नेपाल और पाकिस्तान का हवाला देकर ये बताने की कोशिश की कि 95% हिंदू होने के बावजूद वो हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि सेकुलर देश है, वहीं पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है। दिग्विजय ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वालों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपना धर्म का पालन करने का अधिकार है, और इसलिए भारत में संविधान ही सर्वोपरि है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि हाँ, हिंदुओं की जनसंख्या यहाँ 85% के आज लगभग है, हालांकि 85% से कुछ कम है, लेकिन नेपाल में 95% हिंदुओं की जनसंख्या है, लेकिन वहाँ की संसद ने उसको हिंदू राष्ट्र घोषित ना करके एक सर्वधर्म संभाव के आधार पर, सनातन धर्म की परंपराओं के आधार पर उसको सेकुलर कंट्री का संविधान दिया है,
और वही इस प्रकार से हम लोगों का की शक्ति है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो हुआ हो रहा है, पाकिस्तान में उन्होंने उसको इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया है, थियोक्रेटिक स्टेट डिक्लेयर किया है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। तो ये हिंदू राष्ट्र या इस्लाम राष्ट्र की बात नहीं है, ये देश सबका है। क्या हमारे देश में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, सिखों ने और लोगों ने, जैनियों ने, बौद्ध ने क्या देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी? क्या शहीद भगत सिंह के साथ अशफाकउल्लाह को फांसी नहीं हुई? ये देश सबका है, सबका सम्मान करना चाहिए। कमलनाथ जी के बयान को मीडिया में तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। दिग्विजय भले ही हिंदू राष्ट्र पर कमलनाथ का बचाव कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के ही समर्थक कमलनाथ पर हमला बोल रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के नेताओं को शोभा नहीं देता। वो यही नहीं रुके, वो पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी तक चले गए। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस के सेकुलरिज्म का क्या हुआ। हिंदू राष्ट्र पर कमलनाथ का बचाव करने वाले दिग्विजय ने आज एक और यू टर्न मारा। उन्होंने कहा कि एमपी में कांग्रेस बजरंग दल पर बैन नहीं लगाएगी, जबकि यही कांग्रेस कुछ महीने पहले कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर बैन लगाने का ऐलान कर रही थी। देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। अब सवाल उठता है कि कर्नाटक से एमपी तक आते आते कांग्रेस क्यों 360 डिग्री घूम गई है? कर्नाटक में बजरंग दल को पानी पीकर कोसने वाले कांग्रेसियों को एमपी में बजरंग दल क्यों अच्छा लगने लगा है? कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन का ऐलान करने के बाद कांग्रेस फंस गई थी, लिहाजा एमपी में कांग्रेस उन हिंदू वोटरों और बाबाओं को नाराज नहीं करना चाहती जिनकी निष्ठा बजरंग दल जैसे संगठनों में है। लेकिन कांग्रेस की इन तिकड़मों से बीजेपी चौकन्ना है। देखिए, दिग्विजय सिंह तो हर समय हिंदुओं को बदनाम करते हैं, कह रहे हैं बजरंग दल के गुंडों को बंद कर देंगे। दिग्विजय सिंह जी, इतना घमंडर ठीक नहीं है। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने हिंदू मतावलंबियों का विरोध किया, हिंदू धर्म का विरोध किया, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द के माध्यम से पूरी दुनिया में हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करने का काम दिग्विजय सिंह ने किया। वो जब मुख्यमंत्री थे, बजरंग दल का सम्मेलन नहीं होने दे रहे थे। और देखिए, बजरंग दल पूरी तरह से देशभक्तों युवाओं का संगठन है, उनको दिग्विजय सिंह जैसे पाकिस्तान परस्त की दया की, उनकी रहमो कर्म की या उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब सवाल उठता है कि एमपी की सियासत में हिंदू राष्ट्र इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है और कांग्रेस क्यों बीजेपी की पिच पर आने को मजबूर है। एमपी में हिंदू आबादी 91% के करीब है, जबकि मुस्लिम आबादी सिर्फ 7% है। एमपी में विधानसभा की 230 सीटें हैं, जबकि मुस्लिम वोटर का असर सिर्फ 25 सीटों तक सीमित है। एमपी में मुसलमानों के पास कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा बड़ा विकल्प नहीं है। एमपी में 5 जिलों में ही मुसलमान वोटर 11-22% के बीच है। इनमें बुरहानपुर में 23.86%, भोपाल में 22.16%, इंदौर में 12.67%, जबकि उज्जैन में 11.73% और देवास में 11.14% मुसलमान है। लिहाजा कांग्रेस को अच्छी तरह मालूम है कि तुष्टीकरण का कार्ड खेलने से सिर्फ उन्हीं 25 सीटों पर फायदा होगा जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा है, लेकिन नुकसान 205 सीटों पर हो सकता है जहां हिंदू वोटरों का दबदबा है। लिहाजा कर्नाटक से एमपी आते आते कांग्रेस के सुर और ताल दोनों बदल गए हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा चुके हैं। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय हैं। कमलनाथ सोच समझकर बाबा बागेश्वर को छिंदवाड़ा लाए थे। बाबा बागेश्वर की एमपी के बड़े वोट बैंक पर पकड़ है। कांग्रेस उनके जरिए उस हिंदू वोट बैंक को टारगेट कर रही है जो बीजेपी का कट्टर सपोर्टर नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के मुद्दे पर उनके साथ खड़ा हो जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे कांग्रेस का सियासी स्टंट करार दे रहे हैं। ना दिग्विजय सिंह को, ना कमलनाथ जी को,
इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं, इनको किसी से लेना देना नहीं। 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर कांग्रेस ने 114 सीट जीती थी और बीजेपी को सिर्फ 109 सीट मिली थी। बहुमत से वो 7 सीट पीछे रह गई थी। 2018 में कांग्रेस को 40.9% वोट मिले थे जबकि बीजेपी को 41% वोट मिले थे। हालांकि बाद में सिंधिया के आ जाने से कमलनाथ की सरकार गिर गई और बीजेपी ने फिर सरकार बना ली, लेकिन 2023 में टक्कर तगड़ी है। बीजेपी के खिलाफ कर्नाटक की तरह एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हिंदू राष्ट्र वाले प्रयोग से रही है। पहले मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से और भाजपा के जितने मंत्री हैं, उन्होंने भारतीय संविधान की शपथ ली है कि हिंदू राष्ट्र की शपथ ली है? बोलो। कोई लेना देना नहीं, कौन क्या बयान दे रहा है। हम सीधे सीधे चुनाव, विकास, जनता के। कमलनाथ के लिए कह रहे हैं, कमलनाथ के लिए खतरा है इनके बयान? नहीं, देखिए, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी चोर चोर मोसेरे भाई हैं, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो आप। केवल उनके बयान सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए क्या गिमिक्स करना है, क्या जगलरी करना है, क्या कलाबाजी करना है, क्या कलाबाजी करना मुझे नहीं मालूम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।